हाय फ्रेंड्स, देखा आपने आज पीयूष आपको देखकर कितना घबरा गए थे। हाँ, मैं घबरा गया था। वैसे आपको देखकर ना हम सब घबरा जाते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आज हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जो शायद एंटरटेनिंग तो कम है लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत है। और आज का वीडियो अपनी फैमिली के हर मेंबर को जरूर दिखाना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बताइए, फायर सेफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूल कौन सा है? आग से बचना, भगो, जहां जगह मिले वहां भगो। बिल्कुल गलत। क्यों? हमें हमेशा एक फायर रूट, फायर प्लान घर में डिस्कस करना चाहिए। अपने पूरे फैमिली मेंबर से? बिल्कुल। आपके स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा, आपको रूट बताया होगा कि कभी अगर आग लग जाए तो किधर से निकलना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाकर इकट्ठा होना है। सेम हम हमारे घर पे नहीं करते, करना चाहिए ना। तो आज रात को सब बच्चे अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठकर फायर प्लान बनाओ, फायर एग्जिट प्लान। तो रुचि, ये बताओ, अगर तुम्हें कहीं पर आग दिख जाए तब तुम क्या करोगी? मैं तो चिल्लाऊंगी जोर जोर से, आग आग आग। वैसे है ना, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। सही बोला? हाँ, थैंक यू। कभी तो तारीफ कर देते। चिल्लाना, जोर जोर से बोलना कि आग लग गई है, बचाओ, हेल्प, ये हमें जरूर करना चाहिए ताकि घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको पता चल जाए, या आपके आसपास के पड़ोसी हैं वो आपकी हेल्प को आ जाए। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक कि आपको दिखी आग, जो लपटें उठती है ना, आग दिखी आपको। दूसरा केस ये है कि आपको सिर्फ धुआं दिख रहा है। तब हमें उस केस में क्या करना चाहिए, आ जाओ देखते हैं। अब घर में धुआं हो रहा है तो मैं भागूंगी तो सही ना। हाँ, भागना, मैंने थोड़ी मना किया। अब तो भाग ही कर रही हूं। लेकिन 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 भागना नहीं है, अपने को बच्चों के जैसे घुटने चलना है। अच्छा, तो ऐसे? हाँ, घोड़ा घोड़ा करके चलना है। पर क्यों? क्योंकि जो धुआं होता है वो धुआं कहाँ जाता है? ऊपर। तो धुआं ऊपर रहेगा, आप अगर धुएं में सांस लोगे तब क्या होगा? धुआं हमारे अंदर बढ़ जाएगा। राइट। और उससे फिर हमारा दम घुट सकता है, इसलिए हमें कैसे चलना है? घोड़ा घोड़ा। और अगर धुआं यहाँ से भी ज्यादा नीचे है तब कैसे चलना है बताओ? बिल्कुल क्रॉल कर कर, लेट कर, ऐसे ऐसे जाना है। तो मैं, और कोशिश ये करनी चाहिए अपनी नोज माउथ को कवर कर लो ताकि धुआं हमारे अंदर न भरे। बिल्कुल सही। और क्रॉल करते करते जो हमने फायर प्लान बनाया था उसको याद करते रहो। पर लेकिन ये धुआं ऊपर क्यों जाता है? ये इतने सवाल क्यों पूछती है? मेरी मर्जी। चलो ठीक है, वो भी आपको करके दिखाते हैं। ये देखो, अब समझो ये कमरा है, इसमें आ रहा है धुआं, राइट? तो ये देखो, अब ये धुआं बताओ कहां जा रहा है? ऊपर। अब ये थोड़ी देर में धुआं ऊपर ऊपर भरता जाएगा और नीचे वाली हवा वो साफ रहेगी, ऊपर वाली हवा में ही सारे के सारे केमिकल्स रह जाएंगे। तो नीचे नीचे हम क्रॉल करके जा सकते हैं। अब समझ में आ गया, धुएं से निपटना तो मैंने सीख लिया। अब आग अगर मेरे को लग जाए कहीं तो मैं क्या करूं? अगर आपके हाथ या फेस पर या बॉडी पार्ट पर कहीं भी आग लगी है और वो जले हैं लेकिन बुझ गई है आग, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी से उसको लगातार वॉश करते रहना है। लेकिन अगर आग लगी हुई है तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि आपके साथ में ऐसा हो। तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए ये तो बताओ। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले जो भी लूज कपड़े पहने हुए उसको उतार के पटक से फेंक दो। मतलब जैसे ये दुपट्टा है तो उसको फटाक से फेंक दिया। अगर उसमें आग लगी हुई है तो पर अगर मेरे पहने हुए कपड़ों में ही आग लग गई है तो क्या करूं? तो उसके तीन स्टेप्स हैं, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। मतलब सबसे पहले अगर आग लग गई हमें रुकना है, ड्रॉप कर लेना है और हमें रोल करना है। जब तक आग नहीं बुझ जाती हमें ऐसे रोल करते रहना है ताकि जो हमारे कपड़ों में आग लगी हुई हो वो, अरे बड़े मोटे यार, ताकि हमारे कपड़ों में जो भी आग लगी है वो बुझ जाए।
और अगर कोई हमारा फ्रेंड या रिलेटिव ऐसे रोल कर रहा है तो हम उसके ऊपर या तो पानी डाल सकते हैं या कंबल। करेक्ट। जो गर्म कंबल होते हैं ना, अगर वो आग लग रही है किसी के ऊपर और अपन गर्म कंबल डालेंगे तो आग बुझ सकती है, तो हमें दूसरों के ऐसे हेल्प कर सकते हैं। समझ गया? चलो आ जाओ। अब मैं हो गई हूँ फायर से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी। नहीं। क्यों? आप तो मम्मी हो वैसे, लेकिन बच्चों को फायर से लड़ाई नहीं करनी है, फायर से बचना है। बचना है। आपको फायर बुझाने के लिए नहीं जाना है, फायर बुझाना एक्सपर्ट्स का काम है। फायर बुझाने के लिए हम 101 पे कॉल करेंगे और फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, या फिर कोई बड़ा हमारी हेल्प कर रहा है तो बड़े को बुझाने देंगे, हम बुझाने नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चों को बस खुद को सेफ रखना है और एग्जिट गेट से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करनी है, और अपने फैमिली मेंबर से इस टॉपिक पर जरूर डिस्कस करना है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करें। और हमें जितने भी फायरमैन हैं उन सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सेफ्टी रखते हैं। जब भी आपको रोड पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिखती है तो अपने पापा से बोलना, पापा मम्मी जल्दी से गाड़ी साइड में करो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को साइड दो, क्योंकि हम अगर उनको साइड देंगे तो वो जल्दी से अपने जहाँ पर उनको पहुँचना है पहुँचेगी और उनकी हेल्प हो सकती है। इस तरीके से हम उनकी हेल्प कर देंगे। राइट। इसके लिए मम्मा को 100 पॉइंट्स।